सो हर जप भौ विष्णु तर हर जिसनु हुए दयाल सो हर जप भौ विष्णु तर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी सजी हुई वर्गी सात सकत सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। इस पार घड़ी सत्संग की सानू बख्शिश की है। हरी जस करना, हरी जस सुनना, चाहे वह कीर्तन के रूप में हो, चाहे वह कथा के रूप में हो, यह सत्संग का नेम है जो नितनेम है साडा। जां होर बाणी पढ़नी है वह आप कल्ले किते भी घर भी पढ़ सकते हाँ, कल्ले बैठ के किते भी पढ़ सकते हाँ, पर गुरु की संगत के विचार हर गुरु के दर के उत्ते दो चीजा हो रही हैं, जां कीर्तन हो रहा है जां कथा हो रही है। यह मर्यादा गुरु महाराज के विड़े तो चली जा रही है। पहला कीर्तन होता है, उस तो बाद बाणी की विचार होती है, शाम के वेले गुरु इतिहास की कथा लिखती है बहुत सारे अस्थाना के जिथे गुरबाणी पढ़ना है सुनना है या गाना है। इस दे नाल ही बाणी की विचार करनी बहुत जरूरी है। जिन्ना चिर असी गुरबाणी की विचार नहीं करांगे सुनांगे उन्ना चिर जो कुछ असी पढ़ रहे हाँ, जो कुछ असी गा रहे हाँ, सुन रहे हाँ, उस विच जो उपदेश है उस तो विरवे रहे सानू समझ नहीं लगे। यही संसार गुरसिखां दी मुश्किल है। गाउण वालियां दा कोई अंत नहीं है। पाठ बड़े हो रहे हैं, अखंड पाठ घड़ियां चल रही हैं, सहज पाठ बहुत हो रहे हैं, पर गुरबाणी की विचार किसी किसी थान हो रही है। जिसनों चेटक लग जाता है गुरबाणी की विचार का, यह ऐसा अमृत है, वो इस अमृत को पीण तो बिना रह नहीं सकता। जिवें प्यासा आदमी देखता है आसे पासे कि मैं पानी का समा कोई मिल जाए मैं पानी पीवां, जल्दी जल्दी कोशिश करता है उस पानी के समय तक पहुँचने वास्ते। इस तरह ही जिन्हां गुरसिखां नूं सच्चे नाम की भी सच्ची बाणी की भुख लग जाती है, वो भी फिर गुरबाणी के विचार तो बिना नहीं रह सकते। उन्हां दे अंदर भी उस वेले खिच पैदा होती है और कोशिश हर एक की यही होती है कि छेती तो छेती असीं पहुंचीए, कितें पिछे ना रह जाइए, कितें गुरु शब्द की कोई अजिही तुक ना रह जाए जिसकी असीं विचार ना सुनी। जिथे भावना करी बाणी जो आप पिछे सतगुरु जी की कृपा के नाल विचारी है, उस तो बाद अज दास के मन के विच फुरना आया सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो वारां हन जिन्हें महाराज ने सवास दिते हैं, जिन्ना चिर सेवा लैनी है, इन्हां वारां की जो 22 वारां गुरु ग्रंथ साहिब च हन, इन्हां दी विचार आपां संगति रूप दे विच करीए।
वार की है, वार भी रस पैदा करने वाला का रूप है, कविता है, गीत है, जिसके नाल इंसान के अंदर जोश पैदा होता है। जो भी सुस्ती आती है, माया का मोह का प्रभाव साढ़े उत्ते पैदा है, दरिद्र सामने आता है, असी गुरु की संगत वाले पास्यों, अमृत वेले उठने वाले पास्यों, सेवा वाले पास्यों दरिद्री हो जाते हैं। और कभी आ गए कभी ना आए, कोई नेम नहीं बनता जिंदगी। इस करके ही महाराज ने सानू रोजाना ही गुरु की संगत की हाजिरी भरना उपदेश दिता है कि असी सावधान रहें। विरासत बहुत जरूरी है जीवन। विरासत को बिना बंदा होश में नहीं आता, उसकी सुस्ती नहीं होती। आसा की वार का जो अमृत वे कीर्तन होता है, आसा राग वैसे ही जोश वाला है। राग इस करके देखो बड़े जोश में गाते हैं, फिर जो सुन वाले भी ना हो। वैसे मुश्किल ये है कि तकरीबन बहुत सारे गुरुद्वारे आसा की वार का कीर्तन होता है, दोवें रागी भाई जी तीन जाने बैठे होंगे, बाकी कोई नहीं होता। सारा ये त्रासदी है सर। कीर्तन कीर्तन करने वाले ने संगत को सुनाना है, भावे गुरु महाराज कोल हैं, गुरु महाराज भी सुनते हैं, पर जे संगत भी जुड़ी हो कीर्तन के नाल रस पैदा होता है। जिवें शहद दीआं मक्खियां इकट्ठियां हो के शहद पैदा कर दीआं हन, जिन्ना मर्जी वह फुलां दे जाके तुरियां फिरदियां रहन, जे इकट्ठियां नहीं होणगियां तां छत्ता नहीं बनेगा, ना ही छत्ते शहद पैदा होगा। इस तरह ही जिन्ना मर्जी असीं बिखरे रहिए थां थां दे उत्ते जाके, उत्थे मत्था टेकिया, उत्थे मत्था टेकिया, ओह पाठ कर लिया, ओह पाठ कर लिया, जिन्ना चिर असीं गुरु की संगत विच नहीं आवांगे, गुरु की संगत तो बिना रस नहीं मिलता। जो रस बन लग पवे, रस आन लग पवे गुरु की संगत दे विच आके, फिर जो असीं इकल्ले भी पाठ करांगे नाम जपांगे, उदों भी रस आवेगा, जी करेगा साडा होर करिए होर करिए। सो 22 वारां हन जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज हन, इन्हां 22 वारां दे विच्चों 2 वारां अजिहियां हन जिहड़ियां केवल पौड़ियां दे रूप विच। इक बसंत की वार है महल पंजवां, पंजम पातशाह दी बसंत राग विच है। दूसरी रामकली राग विच राय बलवंग तथा सत्ते गुरु जी, सत्ते बलवंग ते सत्ते ते बलवंग ने जो वार रची महाराज जी दी हजूरी दे विच, ये भी पौड़ियां दे अठ पौड़ियां सदियां हन, तीन पौड़ियां बसंत की वार दी। बाकी जो 20 वारां हन ये सारियां ही वारां दे विच पौड़ियां दे नाल स्रोत दर्ज है। जो वार का असली रूप है केवल पौड़ियां दे रूप में, भाई गुरदास जी दी सारियां ही वारां पौड़ियां दे रूप। गुरु महाराज के वेले जो रागी गाते सन, वारां गाते सन, तो उस वेले पौड़ी के नाल श्लोक प्रमाण वजह वरते सन। श्लोक प्रमाण इस करके देते सन कि समझ आ जाए चंगी तरह। सो गुरु महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब च वारां दर्ज करने वेले कई बार ये हुंदा सी, कई बार रागी से वह श्लोक नाल पढ़ देंदे सन पौड़ी दे नाल, जिहदा नाल पौड़ी दे उपदेश नाल कोई मेल जोड़े नहीं सी हुंदा, बेअरसी हुंदी सी। जे
जेड़े जग्यासु सरोते हैं वो फिर उन्होंने आनंद जोड़ा है घटता है। इस करके गुरु महाराज ने एक नियम बना दिता कि वार की जी पौड़ी है उसके नाल यह श्लोक पढ़ने हर पौड़ी के नाल श्लोक जारी किए। सो ये 22 वार जड़िया हैं वार पहला भी सन केवल पौड़िया के रूप घर ही लोग गाते सन राजियां दे दरबारां विच सूरमियां दीआं वारां गाउंदे सन। इसे तरह ही अमीर लोग जिहड़े सन उह ढाडियां नूं सजदे सन सरंगी दे नाल ढक्कां दे नाल जिहड़ी ढाडी सी उह गाउंदे सन। राजे खुश हो के उहनां नूं इनाम दिंदे सन और जिहड़े लोग सुणदे सन उहनां दे अंदर वीर रस पैदा हुंदा सी। जदों सुरमे की वार्ता वारते रूप गाते सन एक जना नारा व्याख्या करता सी तो उसके नाल बड़ा आनंद बनता सी वीर रस पैदा होता। गुरु महाराज ने कृपा की साडे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवारां दर्ज करके जिथे सानू गुरबाणी ने शांत रस बख्शा है शांत रहना साढ़े मन शांत रहने चाहिए पर इन्ने बिना शांत हो जाने कि साड़ी कोई पगड़ी ला दे जुदाड़ी ना पा दे जे माँ प्यो की इज्जत में कोई हाथ पावे की भैन की इज्जत में हाथ पावे इन्ना भी शांत रस होना चाहिए उत्थे भी रस नहीं हो। इस करके दोनों का समेल महाराज ने कर दिता है शांत रस और वीर रस। गुरसिख जिथे संत है संत शांत रस की निशानी है संत शांत रहता है बिल्कुल शांत रहता है पर जो कि अन्याय होता है जोड़ा संत है ये संत की गल हर स्वार्थ का नाम बाणी ना लगता है जो कि अन्याय होता है तो वह सुरमा बन जाता है सिपाही बन जाता है फिर शस्त्र चुप लेता है तेरा न्याय जुल्म जालमान के खिलाफ वो खड़ा हो जाता है। ये वार के प्रसंग में सिक्ख्या दी गुरु महाराज ने जो वारा लगिया हैं इतने सुरमे किड़े हैं एक पासे गुरमुख है एक पासे मनमुख है दोनों का आपस में टाकरा है। मनमुख वार वार हमले करता है गुरमुखां दे गुरमुख गुरु शब्द की ढाल लैके गुरु शब्द की खड़क लैके उसका टाकरा करता है और न्याय की हुंदा है परमेश्वर के दर तो गुरमुख जिता मनमुख हार गया। गुरमुख की जित हुंदी है मनमुख की हमेशा हार गई। सो सारिया ही वारा का यही विशा है जित किवें प्राप्त होवे मनमुख के नाल लड़ना किवें है मन मत के नाल एक पासे गुरु की मत है दूजे बने मन मत जिथे जाते हैं उत्थे ही मनमत है कि रिश्तेदार को जाइए उत्थे ही मनमत है दोस्तों मित्रों मिलो उत्थे ही मनमत है घर जाइए उत्थे ही मनमत है फिर गुरु की मत का आसरा लेके लड़ना है। ये उपदेश सानू बख्शिश किया है सब तो पहली बार जो है वो श्री राग देव पहला राग गुरु ग्रंथ साहिब दे विच श्री राग है श्री राग देव जो पहली बार गुरु रामदास पातशाह की दर्ज अज गुरु रामदास पातशाह का जोती जो समाउण का पुरब भी है इस करके कुदरती ही यह दोनों का समेल हो गया है इस वार की विचार भी अच्छ आरंभ हुई है अज उन्होंने जोती जो समाउण का पुरब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार मैं लगता सोचा ना गुरु रामदास पातशाह की रची हुई वार है और हर पौड़ी के नाल श्लोक भी दर्ज।
ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇਗਾ। ਰਾਗ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਤਾਲ ਅਤੇ ਲੈ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਤਾਲ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਸਰ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਲਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਰ ਸੱਚ ਮਨ ਵਸੈ ਨਿਹਚਲ ਮਾਤਰ ਪਾਰ, ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਤਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਮੁਲਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਮੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਇਕਦਮ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਣਵਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਕਿਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਹਿਣ ਉਸ ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ
कीर्तन हो गया ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਝੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इतिहास की विचार उसे अनपढ़ आदमी भी आके बैठ जाए उन्हें कीर्तन करता है या नहीं नहीं करता है या सुनता है या नहीं सुनता है लेकिन शब्द के विचार जब सुनेगा उसके मन के उत्ते एक एक शब्द आ सकता है ये झड़ी दे मीह वांग एक एक बूंद उसके मन के उत्ते असर पाती है और जिहड़ा लगातार जिहड़ा जिवें जिसका सुभाव बन जाए कि सुननी है कथा वह भज के आवेदे कि 10 मिनट होर लंघ जा 15 मिनट होर लंघ फिर जावे अज जिते थोड़े बंदे होने बंद नीवे तो थोड़े समझे जाते उन्होंने आके अपना आनंद माना सो सब तो पहला उस उन्होंने उद्यम ही होंगे कि छेती पहुंच जाए सो ये अमोलक रतन उन्होंने प्राप्त होया गुरु की शब्द का विचार का अमोलक रतन प्राप्त है जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अठा की असर होया शब्द के विचार के नाल जिस रसना के नाल असी गुरु के शब्द की विचार करते हैं इसते सच आके बैठ जाता है यह कूड़ नहीं बोलती है किसी की निंदा नहीं करती सच्चे नाम के नाल सच्ची बाणी के नाल जुड़ी रही आत्मक रस मानती मन सच्चा ते मन भी सच्चा है जब सुनता है ना बंदा सुन दे नाल एक आपां ए दर्शन कर रहे अखां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है संतां वेखियां हन शब्द की विचार हो रही है ये सामने प्रत्यक्ष दर्शन एक सरल दर्शन अपन गुरु को आए आके बैठ गए कीर्तन हो रहा है कथा हो रही है आनंद दे नाल आके अखां मीट के बैठ गए और सुनना शुरू कर दिता शब्द सुरती लग गई ये सरल दर्शन इन्हों का ज्यादा मार्ग जरा सुनता है उसको सत की प्राप्ति होती है संतोख की प्राप्ति होती है ज्ञान की प्राप्ति सुन वाले 68 तीर्थां के इनान का फल मिलता है लोग पढ़ाइया करते हैं वड्डिया वड्डिया डिग्रिया लेंदे हैं जिहड़ा मान सरकार उन्हां लोगों को डिग्रिया प्राप्त कर बहुत पढ़ाई करके मिलता है गुरु की संगत बैठ के सुन वालों सदे सदी मान सत्कार सुने लागे सहित सुन दे देखो आप कहते मन भी कितना सुन की आदत पा लो मन पिकना शुरू हो जाएगा जदों मन पिकना शुरू हो जाए फिर इन आदत बन जाती है जिवें टांगे देते जुता होया घोड़ा चुप करके दोनों बांसां दे विचकार चुप करके तुरै जांदा है इधर उधर वेखदा ही नहीं इस तरह ही कि मन ऐसा शब्द काबू आता है चुप करके सीधे रह जाता है आसे पासे वेखदा ही नहीं सच्चा शरीर अकार उसका शरीर का आकार पास शरीर भी उसका सच के नाल जुड़ जाता है पास शरीर भी सरला हो जाता है जिहड़ा गुरु के शब्द की विचार नाल जुड़ता है नानक सच्चे सतगुर सेवें सदा सच वापार जिवें जिवें सच्चे गुरु नूं सेवदा है सेवना की है याद करना गुरु के उपदेश नूं पढ़ना गुरु के उपदेश नूं सुनना विचारना गाउणा यह गुरु नूं याद करन दा तरीका है सेवन का अर्थ एक सेवा है एक याद करना इत्थे याद करना अर्थ पढ़ते
सच्चे गुरु नूं सेवन दे नाल याद करन दे नाल की हुंदा है सच दी प्राप्ति लाह सच दा मिलदा है। एक झूठा व्यापार है कूड़ा व्यापार है। देखो लोग व्यापार करते कुछ की मिलता है पैसा पैसे नूं भूल गया है। नाशवंत चीजां हन सारी सोना है चांदी है कीमती हीरे जवाहरात हन ये पैसे हन ये सब इसमें फूल क्या है जो नार नहीं इंसान दे निकलता है पता नहीं किड़े वड़े आ जाना है किड़े वड़े हथों निकल जाना सारा है। दूसरे पास आ जो सच है जिधर इस व्यापार में करता है हाले जी कहना वणज करोड़ जा रहे हो अखर ले समाल ऐसी वस्त्र सारी जैसी निभ है नाम वणज करो आए हो ता आ वणज करो जेडे तुहाडे नाल ने बनवाया है सच दा व्यापार करो तां सच दी प्राप्ति सच्चे नाम नाल सच्ची बाणी दे नाल। सो ए सच्चा व्यापार कीता सफला हुंदा है सच दी प्राप्ति है बहुता लाहा मिलता है सत्संग के जाके ये सच्चे व्यापार का बहुता लाभ खटता है जरा गुरु की संगत न जुड़ के गुरु की शब्द की विचार भी जुड़ता है सतगुरु की कृपा कर इसे ही पौड़ी की विचार कल अगे सरण करेंगे बुला चुका की खिमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।